फरीदाबाद के सेक्टर 3 के लोगों ने चौकी पर पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया और वहीं दर्जनों लोग सेक्टर 3 चौकी पहुंचे और पुलिस वालों के खिलाफ जमकर हंगामा किया और वहीं दर्जनों लोग सेक्टर 3 चौकी पहुंचे और पुलिस वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और लोगों का कहना था कि पुलिस कर्मचारी लोगों की मदद करने के लिए होते हैं, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए। इस अवसर पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। सेक्टर 3 वासियों का कहना है कि दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। हमारा नाम मोनिका है। मोनिका, क्या हुआ? क्या बात हुई? क्या बात हुई थी है? आज क्या बात हुई है? पुलिस वाला गाली दे रहा था। कौन था पुलिस वाला? ये यहाँ पे जब हतर रात का हुआ, कौन था उसके नाम? हम संडे को, मैं शाम को पता लगी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोबिन माइकल डिसोजा है। क्या बात हुई? लड़के का मैंने ट्यूशन दिया है 6 से 10 और मेरी गली में रहता है। क्या बात? और इसलिए हम ज़्यादा परेशान हैं। हम लोग ये आए थे, वहाँ पर लेके आए थे कि ऐसे ऐसे परेशान होगा। इंस्टीट्यूट गए थे उसके बाद FIR कराने के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट वालों के पास वो संडे पहुँचा ही नहीं है। कोचिंग होती है उसकी सुबह से, उसके बाद 8:30 बजे बच्चा यहाँ से घर से निकला है और उसके बाद वो पहुँचे ही नहीं है। कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ता है वो? सेक्टर 16 फिजिक्स वाला विद्यापीठ फरीदाबाद। वहाँ पे पहुँचा नहीं तो वहाँ पे हमारा कदम कुछ भी कार्रवाई है नहीं, तो हम सीधा FIR आ गए मिसिंग कराने के लिए। उन्होंने बोला मिसिंग करा लो अपनी आसपास चौकी पे जाके। हम यहाँ पे आए हैं रात को 11:30 बजे करीब, फाइनली लिखी है उन्होंने, 1 घंटा हो चुका था बहसबाजी करके। और उसी दौरान हमारा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, सारे कम से कम 3 बंदे टोल थे जिन्होंने अटेंड किया था। सबसे पहले जो सुबोधन जी हैं, संजय पाल सिंह के पापा, ठीक है, वो जूसा ले रहे हैं सेक्टर 3 में और बहुत सब लोग जानते हैं, इसलिए इतनी भीड़ खड़ी है, ठीक है। उनके साथ सीधे जब सबसे पहले आए हैं बात करने के लिए कि ऐसा ऐसा मेरा बेटा लापता है, अभी तक आया नहीं घर, बोला कि भैया पढ़ाने वढ़ाने का मतलब क्या, 16 साल 15 साल की उम्र है, शादी करा दो भाई। पुलिस वाला बोल रहा है बंदे को, और एक जूस वाला जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, और वो उसको बोल रहा है भाई 15-16 साल की उम्र पढ़ा के क्यों रहा है, शादी करा दे, शादी ब्याह करा दे और लड़के लेके भाग गया होगा। ये बच्चा है, बताओ ये बच्चा है, बोल रहा है वो, क्या बोलते, शादी कराते ब्याह करा दे इसका, मतलब पढ़ाओ ना। एक जगह बोलते हैं हमारे कि क्या बोलते, पढ़ाओ बच्चों को, आप शिक्षा दो और ये करो, उसका ये पुलिस वाले बोल रहे हैं। दूसरी बार उसके बाद वो इंस्टीट्यूट गए थे, उसके बाद मैं आया रात को लेके उनको वहाँ पे FIR कराने के लिए भी। उसके बाद पहली FIR लिखी एप्लीकेशन, उसके बाद दूसरी, अरे डिटेल डाल दे, इधर से इस कमरे में, इधर से उधर जा रहे हैं हम लोग, इधर से उधर जा रहे हैं, अरे ये डिटेल लिखते, जो हमें अटेंड कर रहे थे मुझे नाम नहीं पता है लेकिन मैं शक्ल से पहचान जाऊँगा, ये बोल रहे हैं, अरे ये फिर से लिख के फिर से डिटेल डालो, इसका हुलिया ये डालो, ये डालो उसमें। उसके बाद इस दौरान में ये बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, अरे लड़की का चक्कर होगा, लड़की लेके भागा होगा। तो ऐसे क्यों बोलेंगे? ये भी बोल रहे थे कि इसका बच्चा कोचिंग का बैग लेके गया है, किताबें हैं उसके अंदर, एक एक जोड़ी कपड़े में गया जिसमें हो गया है, ठीक है ना, पानी ना कुछ, उससे 200 रुपये मम्मी ने दिया उसको उस दिन सुबह सुबह, बाकी पहले भी है बैग लड़की लेके भागेगा। मेरा पहला सवाल ये है प्रशासन से और पुलिस वालों से, और पुलिस वाले बिना अभी तक 3 दिन में उन्होंने ये नहीं बताया है कि क्या कार्रवाई है, उन्होंने बिना FIR लिखे ये बोल दिया लड़की लेके भागा होगा। ऐसे क्यों बोलते हैं पुलिस वाला? ये पुलिस वाले हैं, ये बताइए पहले, ये एजुकेशन, अगर एजुकेशन लेके पुलिस वाले बने हैं ये बोल रहे हैं। उसके बाद और सारे नशे में थे, सारे नशे में थे, 2 इंस्पेक्टर छोड़ गए जो जिन्होंने हमें अच्छे से अटेंड किया है, लेकिन क्योंकि वो सब इंस्पेक्टर हैं, सब कॉन्स्टेबल हैं, वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनके ऊपर सुपीरियर बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा नहीं बोल सकते क्यों, और वो सुपीरियर ही पी के बैठे हुए थे, और पीओ हुए हालत में इन्होंने हमें अटेंड किया है, इसलिए 3 बार एप्लीकेशन बार बार चेंज हुई है। आज क्या हुआ था? आज क्या, तीसरी बार मैंने लिखी है एप्लीकेशन अपने हाथों से, मेरी राइटिंग, दोनों दो एप्लीकेशन मेरी राइटिंग है। अच्छा, आज क्या बात हुई? अभी तो आए हैं हम लोग, अभी ये बता रहे हैं, और वो पुलिस वाले तो है ही नहीं, जिन्होंने एक पुलिस वाले जिन्होंने अटेंड किया था अच्छे हैं, वो कॉन्स्टेबल हैं, दूसरे दिख नहीं रहे हमें अभी, और जो जिन्होंने अटेंड किया था शायद धुत्ते नशे में, वो कोई भी नहीं दिख रहा अभी, इन्होंने भगवा दिए या छुपा कर रखे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ जब ये चीज़ हो रही थी, उसके बाद फाइनल जब एप्लीकेशन हम बाहर खड़े किए थे, सुबोधन जी और उनकी बीवी थी अंदर, उनको बुलाया गया था कि क्या बोलते हैं, ठीक है लिख रहे हैं हम लोग, FIR कर रहे हैं, कॉल जा रही है, ये बोल रहे हैं सुबोधन जी से कि क्या बोलते हैं भाई लड़की लेके भागा होगा, ये चीज़ क्या होगा। तो सुबोधन जी ने बोला उनको सीधा बोल के, अगर लड़की का होगा भाई मुझे फांसी पर चढ़ा दियो, लेकिन मैं अपने बेटे को जानता हूँ, ऐसी हरकत नहीं करेगा। इसमें इसके बाद एक पुलिस वाला था नशे में आके माँ बहन की गाली दे रहा है, बताओ हमारे सामने, ये बोला कि तेरा बेटा नहीं है, एक बात बताओ भैया, ये भी पुलिस वाले ये करेंगे, माँ बहन की गाली देंगे, आप यहाँ पे CCTV वाले हैं, आप उनको देख लोगे, चला नहीं जा रहा था उनसे, कैमरे पे लगाओ, कैमरे यहाँ पे, आप खुद निकलवाइए, हम लोग मतलब, इसलिए इसलिए पुलिस का नाम बदनाम हो रहा है ऐसे लोगों के चक्कर में। सारे पुलिस वाले अच्छे बुरे नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, इनके चक्कर में पूरी पुलिस प्रशासन खराब हो रही है। ठीक है भाई, धन्यवाद।